नमस्कार दोस्तों। देखो, हम बात कर रहे थे रेलवे डी ग्रुप पेपर की, जो 19 सितंबर 2018 को पहली पारी का हमने पहले डाल दिया, आप दूसरी पारी का है। तो देखो किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। एक प्रश्न पूछा गया है कि एक ऐसा पौधा जिसका फल, यानी कि ऐसा पौधा जिसका फल भूमिगत रहता है, भूमिगत रहता है। एक पौधे का नाम बताना है जिसका फल क्या रहता है, भूमिगत रहता है। ऐसे पौधे का नाम सभी जानते हैं भाई, मूंगफली होगी। तो इसका आंसर क्या आएगा? मूंगफली। देखो, यानी कि मूंगफली का जो पौधा होता है उसका जो फल होता है ये भूमिगत रहता है। कर दे। अगला प्रश्न है, घड़ी की स्प्रिंग, यानी कि जो घड़ी की स्प्रिंग होती है, घड़ी की स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? घड़ी की स्प्रिंग की कौन सी ऊर्जा होती है? घड़ी की स्प्रिंग होती है उसमें स्थगित ऊर्जा रहती है, स्थगित ऊर्जा ये घड़ी की स्प्रिंग में होती है। उसके बाद में एक प्रश्न ये आया था कि विद्युत अपघटक चालक है, यानी कि निम्न में से विद्युत अपघटक चालक है, विद्युत अपघटक चालक है, यानी कि विद्युत अपघटक चालक है किसका? ऑप्शन में दिया गया था कॉपर सल्फेट के घोल का। इसका आंसर होगा कॉपर सल्फेट के घोल का, यानी कि जो कॉपर सल्फेट का जो घोल होता है वो विद्युत का अपघटक का क्या होता है? चालक होता है। उसके बाद में एक प्रश्न ये पूछा गया था कि मैग्नीजियम, मैग्नीजियम होता है ना, मैग्नीजियम, उसका अणु क्रमांक, यानी कि सॉरी, इसका परमाणु क्रमांक यानी कि कितने नंबर पे आता है मैग्नीजियम? ये आता है 12वें नंबर पे। उसके बाद पूछा गया है, एक भारत में कुल कितने तेल रिफाइनरी, यानी कि अपनी भारत में तेल रिफाइनरी, भारत की कुल तेल रिफाइनरी पूछी गई थी, और भारत में कुल तेल रिफाइनरियां हैं 22, 22 तेल रिफाइनरी हैं। उसके बाद में एक पूछा गया था सिम्पसन नामक रेगिस्तान, सिम्पसन सी आधा मैस, सिम्पसन नामक एक रेगिस्तान है, यानी कि रेगिस्तान है, वो कौन से देश में है? ये है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में है ये रेगिस्तान। उसके बाद में पूछा गया था विद्युत बल्ब होता है ना, विद्युत बल्ब उसका जो तंतु होता है, विद्युत बल्ब का जो तंतु पाया जाता है वो किसका बना होता है? सबको पता है टंगस्टन का। विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है टंगस्टन का पाया जाता है। इसके बाद एक पूछा गया था लोहे की जो कमी से रोग होता है, यानी कि लोहे की कमी से ऐसा कौन सा रोग होता है? उसका नाम है एनीमिया, एनीमिया, एनीमिया रोग होता है, ये लोहे की कमी के कारण होता है। उसके बाद में देखो और पूछा गया था, एक पूछा गया मछली के हृदय में कुल कितने चैम्बर होते हैं, यानी कि मछली के हृदय में चैम्बर, मछली के हृदय में चैम्बर पूछे गए। मछली के अंदर में दो चैम्बर होते हैं, यानी कि मछली का जो हृदय होता है उसमें दो चैम्बर होते हैं। उसके बाद में पूछा गया एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप, यानी कि मनुष्य का, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120/80, 120/80। इसके अलावा एक चीज और पूछी गई कि मनुष्य के मस्तिष्क में, यानी कि मनुष्य के मस्तिष्क की बाहरी झिल्ली, मनुष्य के शरीर जो मस्तिष्क होता है उसकी बाहरी झिल्ली पूछ ली, उसका नाम क्या है? ये है
ड्यूरामीटर। ड्यूरा उसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा गया इसमें, यानी कि एक शहर का नाम दिया गया है, उस शहर का नाम है अटल नगर। अटल नगर यानी कि शहर है जिसका नाम चेंज होके अटल नगर हो गया, यानी नया नाम क्या हो गया, अटल नगर। नया नाम यानी कि नया नगर, उस शहर का जो पुराना नाम क्या था, उस शहर का पुराना नाम था नया रायपुर। नया रायपुर यानी कि सीधे शब्दों में बात यह है कि नया रायपुर जो शहर है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया, अटल नगर। धन्यवाद दोस्तों, क्योंकि हमने देखो 19 सितंबर 2018 का सेकंड पारी का जो भी बनाया, तो अपने चैनल पर बने रहने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, और पसंद आए तो लाइक करें। धन्यवाद।